हेलो एवरीवन, दिस इज माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आती रहे। अगर आपको नाइन्थ क्लास की प्रीवियस वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज। अब बात करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 की इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें पढ़ी थी तो वो अब यूज करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज में। तो हमारे पास 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो बोलता है Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था, चेन ऑफ टर्म, जिसमें हमारे पास क्या होता है, टर्म की चेन हमारे पास होती थी उसको बोला जाता था पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वो होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट होल नंबर है तभी आपके पास पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर माइनस में हमारे पास है या अंडर रूट में हमारे पास है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 4x² - 3x + 7 है। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, होल नंबर है, x के ऊपर 1 है, ये भी होल नंबर है, तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, 4x² - 3x + 7 इज पॉलिनोमियल। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, होल नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है y² + √2। तो हमारे पास देखेंगे आप, देखो वेरिएबल की पावर यहाँ पर होल नंबर है, ये हमारे पास सिंपल नंबर है, इसको नहीं देखना हमें, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है हमने। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर भी होल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, y² + √2 इज पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। सिमिलरली थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे t की पावर अंडर रूट में है, ये होल नंबर नहीं, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और 1/2 हमारे पास होल नंबर नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। आप इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, फोर्थ में देखो y की पावर यहाँ 1 है, जब इस y को हम ऊपर लेके जाएंगे है ना, तो पावर क्या बन जाएगी, y पावर -1, तो इसमें पावर जो हो जाएगी -1 हो जाएगी हमारे पास, तो होल नंबर नहीं आया, तो क्या होगा हमारे पास, ये नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। सिमिलरली फिफ्थ में हमारे पास सभी की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, तो लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। तो ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था कि पॉलिनोमियल है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कॉफिशियंट के बारे में, तो कॉफिशियंट अब क्या होता था हमारे पास, कॉफिशियंट होता था हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल्स होते थे उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू होती थी वो कॉफिशियंट होता था। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट द कॉफिशियंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी पार्ट्स में क्या करेंगे आप, x² का कॉफिशियंट लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में x² का कॉफिशियंट आपने लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखेंगे हमारे पास, हम कॉफिशियंट ऑफ x² इक्वल टू, तो देखो x² के साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो x² के साथ न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, तो मतलब x² का कॉफिशियंट क्या हुआ यहां पर, 1, सिंपल है। सेकंड में देखो x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं, तो इसका कॉफिशियंट क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का कॉफिशियंट हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो x² के साथ हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू π/2 है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या लिख देंगे हम, कॉफिशियंट ऑफ x² हो जाएगा π/2। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो x² की टर्म हमारे पास है नहीं है, तो x² की टर्म नहीं है तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, हमारे पास कॉफिशियंट x² ही नहीं है हमारे पास, तो टर्म भी हमारे पास 0 होगी, तो हम क्या लिखेंगे फोर्थ पार्ट में, कॉफिशियंट ऑफ x² जो हमारे पास है वो क्या आ गया, 0। ठीक है ना, तो कॉफिशियंट सिर्फ x² का पूछा गया था, अगर आपके पास x का पूछा होता है तो x के साथ न्यूमेरिक वैल्यू होती, आप उसको लिख लेते कॉफिशियंट में। सफिशियंट, इजी हमारे पास ये टॉपिक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आपको बोला गया है गिवन एग्जांपल ईच ऑफ द अबव पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको बोला गया कि एग्जांपल बताओ एक बाइनोमियल का एक मोनोमियल का। बाइनोमियल में हमारे पास जो पावर होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल में
जो पावर होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आप पास, पहले लिख लेते हैं आप पास बाइनोमियल का फिर मोनोमियल का। तो बाइनोमियल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज, ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल क्या होता था, जिसमें कितनी टर्म्स हमारे पास होती थी, दो। तो कोई दो टर्म्स हम लिख लेंगे, तो मैं लिख दिया यहां पर x पावर 35 माइनस 2x। तो देखो हमारे पास ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया, इसमें डिग्री हमारे पास हाईएस्ट पावर होती थी, तो पावर हमारे पास 35 हो गया, दो टर्म्स हमारे पास आ गया। आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं बाइनोमियल का, लेकिन पावर डिग्री हमारे पास 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया था इसी में ही मोनोमियल, तो मोनोमियल निकालो आप ऑफ डिग्री 100 इज, तो डिग्री 100 का मतलब हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, और मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म लिख लेते हैं आप पास, मान लो 4x पावर 100। ठीक है, बन गया इसका एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं मोनोमियल का, लेकिन डिग्री कितनी पड़ेगी 100 ही। तो ये आपके पास हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बोला गया है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पार्ट्स आपको दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर, पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आपको बोला गया है कि इसमें डिग्री निकालो, तो डिग्री मैंने क्या बोला था, डिग्री हमारे पास क्या होती थी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल इज, तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर पॉलीनोमियल कितनी आ गई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3, और इसी को हम क्या बोलते थे, डिग्री। तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अगर आपको डिग्री पूछी गई और ये क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नंबर का पेपर में पक्का आता है डिग्री निकालने को, तो डिग्री में क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो हमने हाईएस्ट पावर लिख ली पहले पॉलीनोमियल में 3 थी, उसके बाद डिग्री क्या आ गई हमारे पास, फिर 3। क्लियर, आप कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोला गया है पी वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर हमारे पास 2 है, तो हाईएस्ट पावर भी कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर 2, तो डिग्री भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पास सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है ना, वहाँ पास वैसे चलेंगे यहाँ पास। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है एफ टी इज इक्वल टू 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पावर, हमारे पास वेरिएबल एक है, कुछ पावर ना हो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी आ गई 1, तो डिग्री भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1। इजी पार्ट हमारे पास है ये, और लास्ट पार्ट आपके पास दिया गया है यहाँ पर फोर्थ। फोर्थ पार्ट में बोला गया आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बोला गया आपको कि 3 में डिग्री कितनी है। तो देखो यहाँ पर अगर वेरिएबल हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, अगर वेरिएबल कुछ नहीं है हमारे पास, तो मतलब हमारे पास उसकी पावर कितनी होगी 0। तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री भी हमारे पास हो जाएगी 0, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर हमें लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0। ठीक है, x पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाएगा। तो अब हम इसमें हमारे पास देखो पावर 0 हो गया हाईएस्ट, तो हमारे पास डिग्री भी आ गई 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डिग्री का, आपको पेपर में पक्का आता है ये वाला। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया है फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। आपको बोला गया है कि क्लासिफाई करना आपने लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक है। तो हम एक टेबल बना लेंगे इसके लिए सॉल्यूशन में, हमारे पास एक हो गया हमारे पास लीनियर, एक हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक, और एक बना लेते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल। अच्छा, हमने टेबल बना दिया,
अब देखो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। लीनियर होता था जिसमें डिग्री हमारे पास 1 होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक क्या होता है जिसमें डिग्री 3 होती है। तो डिग्री आपने पिछले क्वेश्चन में फोर्थ में पढ़ी, तो वैसे इसमें देखेंगे हमारे पास कि डिग्री किस में हमारे पास कितनी है। तो फर्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आप देखोगे हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 हुई, तो क्या बना ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या बना क्यूबिक, डिग्री यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 हुई, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है हमारे पास, तो ये लीनियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है 3t, तो यहाँ भी पावर हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमारे पास ये डिग्री हो गई हमारे पास, तो ये लीनियर हो गया। उसके बाद है आर स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, और उसके बाद हो गया 7x³, इसमें डिग्री 3 है, तो हमारे पास ये हो गया क्यूबिक। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर खत्म हुई। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन।